दर्द हो रहा है। ये बिन बुलाए मेहमान हर महीने आ जाते हैं। अब 6 दिन तक मुझे प्रेग्नेंट लेडी जैसी फीलिंग आई। अरे मर गई रे, लड़कियों को ये सब क्यों होता है? हीना खुद से ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी माँ सरला हाथों में काढ़ा लिए आती है और बोलती है, हीना बेटा काढ़ा पी ले, तुझे दर्द में आराम मिल जाएगा। माँ मैं पहले ही दर्द में बेहाल हूँ और आप ये क्या गंदा सा बना कर ले आई मेरे लिए। अरे पागल लड़की, अजवाइन का पानी है, गरम गरम चाय की तरह इसे पी ले, तुझे दर्द में आराम मिल जाएगा और तेरे पीरियड्स का फ्लो भी ठीक रहेगा, समझी? पर माँ इसका स्वाद जरा भी अच्छा नहीं है, मुझे नहीं पीना ये। देखी ना, इसके स्वाद नहीं बल्कि इसके फायदे को देख और चुपचाप पी ले इसे। अब सरला की बात सुनकर हीना बुरा सा मुंह बनाकर काढ़ा पी लेती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद हीना को पीरियड्स पेन में काफी हद तक आराम मिलता है और वो सरला के पास जाकर बोलती है, माँ तुम्हारा काढ़ा तो किसी जादुई पानी से कम नहीं था, मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स फील कर रही है। बेटा ये तेरी माँ के नुस्खे हैं, मेरी माँ मुझे दिया करती थी, ऐसे ही और भी उपाय है मेरे पास, मैं तुझे बता दूंगी ताकि कल को तेरी शादी के बाद तुझे कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद सरला हीना को पीरियड्स में किए जाने एक काफी सारे घरेलू नुस्खे बताती है, जिसको करने के बाद हीना को अपने पीरियड्स टाइम में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम आता है और हीना को पीरियड्स होते हैं, जिस वजह से उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है और अपने हैंड वॉश करने पड़ते हैं। ऐसे ही वो वॉशरूम में हाथ धोते हुए खुद से बोलती है, क्या यार, एक तो सर्दी ऊपर से पीरियड्स, अब बार बार वॉशरूम जाओ और फिर हाथ धो, मैं तो दुखी हो गई हूँ। मैं जल्दी से जाकर रजाई में बैठ जाती हूँ, यहाँ खड़ी रही तो कुल्फी की तरह जम जाऊंगी। इतना कहकर हीना जल्दी से अपने कमरे में जाती है और रजाई में छुप जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त रितु आती है और उसके ऊपर से रजाई खींच देती है, जिस पर हीना गुस्से में बोलती है, पागल है क्या, ऐसे कौन करता है? अरे अरे क्या हो गया, बिन बादल बरसात की तरह क्यों बरस रही है मेरी जान? क्या तेरे गले में फूलों की माला डालूं? हाँ तू इलेक्शन जीत के आई है, मैं सो रही थी तूने रजाई उतार दी, पागल कहीं की। यार मैं तो बस मजाक कर रही थी, सच में मुझे नहीं पता था कि तू इतना ज्यादा गुस्सा कर जाएगी, सॉरी। सॉरी यार, मुझे इतना जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे पीरियड्स हुए है ना तो मूड स्विंग हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, सॉरी। अच्छा तभी मैं कहूँ कि तेरा मीटर इतना बढ़ा हुआ क्यों है? यार अब ये तो हर महीने की बात, बहुत ठंड है। अरे चलना यार, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा और मैं तुझे हॉट चॉकलेट पिलाऊंगी, देखियो तेरा मूड अच्छा हो जाएगा उसे पीकर। रितु जैसे तैसे हीना को अपने साथ लेकर जाने के लिए रेडी कर लेती है, जिसके बाद दोनों सहेलियां पास के ही मॉल में जाती है और शॉपिंग करती है और उसके बाद रितु हीना को मॉल के कैफे एरिया में लेके जाती है और उसे गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट पिलाती है। तभी हीना बोलती है, थैंक यू यार मुझे यहाँ लाने के लिए, मेरा मूड पहले से अच्छा हो गया है और ये हॉट चॉकलेट बहुत यम्मी लग रहा है, अब लग रहा है कि मैं सर्दी के नज़ारे ले रही हूँ। देख यार, विंटर में पीरियड्स को डील करना और भी आसान है गर्मियों के मुकाबले। पर वो कैसे यार? देख यार, विंटर में हम आसानी से हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं, जिससे पीरियड टाइम पर बॉडी में काफी रिलैक्स महसूस होता है। दूसरा, हम काढ़ा या फिर हल्दी वाला दूध ये सब भी आसानी से पी सकते हैं, इससे हमारी ब�डी में गुड बैक्टीरिया जन्म लेता है और पीरियड टाइम पे जो फीलिंग आती है, साथ ही जो क्रैम्प्स होते हैं वो सब भी नहीं होते। थैंक यू यार, मुझे सच में ये सब बिल्कुल पता नहीं था। जिसके बाद दोनों दोस्त मिलकर हॉट चॉकलेट को एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं, पर ठंड बढ़ने के साथ साथ हीना का आलस भी बढ़ता जाता है, जिस वजह से वो पीरियड्स टाइम पर भी और आलस के चलते नहाती भी नहीं थी और ना ही टाइम पर पैड चेंज किया करती थी। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है और अगले महीने हीना को फिर से पीरियड्स होते हैं और वो मन ही मन में अपने कमरे में बैठकर सोचती है, सर्दी बहुत ज्यादा है, नहाने का मन नहीं कर रहा, ना वॉशरूम में जाकर नैपकिन चेंज करने का मन कर रहा है, क्या करूं? अगर चेंज करूंगी तो फिर से मुझे ठंडे पानी से हाथ धोने पड़ेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं जा रही वॉशरूम, थोड़ी देर इसी में स्टे कर लेती हूँ और बाद में चेंज कर लूंगी, वैसे भी किसी को क्या पता चल रहा है, ये तो मेरे अंदर की बात है। इतना सोचकर हीना वॉशरूम में ना जाकर आराम से अपने बेड पर फैल जाती है और सो जाती है। ऐसे ही हीना अपने पीरियड्स टाइम में आलस करने लगती है, इस वजह से उसके इंटरनल एरिया में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है
उसका पीएच अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से उसे यूटी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके बाद हीना को पीरियड्स के दिनों में पेट दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द से कराहते हुए अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ माँ सुनो ना। अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है? माँ देखो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल वैसा जैसे पीरियड्स में होता है, लेकिन पीरियड्स तो मुझे एक हफ्ते पहले ही हुए थे, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, उसी वजह से हो रहा है। माँ मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है और आप उल्टा सीधा खाने की बात कर रहे हो। चल रुक, मैं तेरे लिए कोई ना कोई दवाई या काढ़ा बनाकर लाती हूँ, ठीक है? सरला देती है, हीना जल्दी से उसे पी लेती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कुछ देर बाद उसका दर्द कम तो हो जाता है पर पूरी तरह ठीक नहीं होता। दिन पर दिन उसका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है, जिससे परेशान होकर वो एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर हीना का चेकअप करती है और साथ ही कुछ टेस्ट करवाती है और रिपोर्ट्स आने के बाद वो हीना से बोलती है, मिस हीना, आपको यूटी इन्फेक्शन है, आपके पेट के निचले हिस्से के नल्स ब्लॉक हो चुके हैं, जिस वजह से आपको पीरियड्स में होने वाले पेन की तरह पेन हो रहा है। साथ ही आपकी बॉडी का पीएच लेवल सामान्य से कहीं ज्यादा है, जिस वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन भी है। तो अब मैं क्या करूं? देखिए, ऐसा तभी होता है जब हम अपनी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते हैं, टाइम पर नैपकिन चेंज नहीं करते हैं, डेली बात नहीं करते हैं। क्या आप भी ऐसा कुछ करती हैं? यस डॉक्टर, बिंटे की वजह से मैं बहुत ज्यादा आलसी हो गई थी, इस वजह से मैंने अपने पीरियड्स टाइम पर अपनी बॉडी का ठीक से ख्याल ही नहीं रखा। तो डॉक्टर, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी? इन फ्यूचर मुझे इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जी नहीं, अभी इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती तो इससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी। मे भी शायद शादी के बाद आप कभी माँ नहीं बन पाती, पर मैं आपको कुछ दवाइयाँ और कुछ टिप्स दे देती हूँ, जिसे फॉलो कर आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओके डॉक्टर। जिसके बाद डॉक्टर हीना को दवाइयाँ दे देती है और साथ ही अपनी इंटरनल एरिया के केयर से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स भी देती है और एक अच्छा हेल्थी डाइट चार्ट तक बना के लेती है। हीना डॉक्टर के कहे और बताए अनुसार सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करती है और 15 दिन में ही उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, जिसके बाद चाहे विंटर हो या समर, हीना कभी भी पीरियड्स टाइम पर आलस नहीं करती। वादी खाने पीने की बहुत ही शौकीन लड़की थी, जो सिर्फ और सिर्फ खाने के ही बारे में सोचती रहती थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसे खाना में पसंद था वो था रोल, फिर चाहे वो एग रोल हो या फिर वेज रोल। स्वाति को तो बस अपने स्वाद और अपना पेट भरने से मतलब था। उसकी माँ गौरी और पिता किशोरी उसका रिश्ता सौरभ नाम के लड़के से तय कर देते हैं, जिसकी माँ शारदा को जंक फूड खाना जरा भी पसंद नहीं था। शारदा अपने बेटे के साथ रिश्ता पक्का करने के लिए स्वाति के घर आती है, जहाँ स्वाति सबके लिए रोल बनाती है। अरे अरे बहन जी, कुछ तो खाइए, ये रोल खाइए, मेरे बेटे ने आपके लिए बनाए हैं स्पेशल। अरे नहीं नहीं, दूर रखिए इन्हें मुझसे। कुछ सही बात कही आपने, भला घर के खाने से अच्छा क्या ही होगा, ये तो बस जेब का स्वाद है। अरे कोई मुझसे तो पूछ लो, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है ये सब देख कर। आप खा लीजिए। नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। यार अजीब से पागल लोग हैं ये तो, भला रोल को भी कोई मना करता है क्या खाने से? कितने डिलीशियस है ये। इस तरह दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर लेते हैं और कुछ समय बाद उन दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। स्वाति अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन रात के डिनर में वो ढेर सारे अलग अलग तरीके के रोल बनाकर डाइनिंग टेबल सजा देती है। उसकी सास शारदा जैसे ही ये सब कुछ देखती है वो गुस्से में तंतना जाती है। बहू, ये सब क्या बनाया है तूने? ये वेज रोल है, ये एग रोल है, ये पनीर रोल है, माँ जी कुल मिला के सारे रोल ही हैं। उठा कर कचरे के डब्बे में डाल दे ये सब, मैंने कहा था ना कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय माँ जी, ये क्या बोल रही है? अरे कचरे में क्यों फेंकूंगी इतनी अच्छी चीज को, इन्हें तो मैं खाऊंगी, अपने पेट के डब्बे में डाल लूं सब कुछ। तभी वहाँ सौरभ आ जाता है और जल्दी से रोल उठाकर खाने लगता है।
ये सब देखकर शारदा बोलती है, मैंने कहा रख नीचे, अगर तूने एक भी खाया ना तो 4 दिन तक खाना नहीं दूंगी। पर माँ एक तो खा लेने दो यार, स्वाति ने इतने प्यार से हम सब के लिए बनाया है, एक बार स्वाद तो चखने दो। अरे कभी भी नहीं, इतना ज्यादा मैदा और ऊपर से इतना सारा तेल, अरे मैं तेरी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। अरे अरे माँ जी बस कीजिए, इतना गुस्सा कीजिए वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। अरे मेरे बीपी की चिंता तो तू छोड़ ही दे, ये सब कूड़ा कचरा खाकर ना तेरा जरूर भट्टा बैठ जाएगा। अब जाकर कुछ अच्छा बना कर ला या भूखा ही रखेगी। स्वाति गुस्से से रसोई में जाकर दाल चावल बना कर लाती है और शारदा को दे देती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है पर स्वाति के रोल खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता, इसलिए वो अब अपनी सास से छुप छुपा कर रोल खाना शुरू देती है। वो आए दिन सौरभ से नए नए तरीके के रोल मंगवाया करती। फिर दोनों पति पत्नी मिलकर बड़े ही मजे के साथ अपने कमरे में चुपके चुपके रोल खाते। ऐसे ही एक दिन दोनों पति पत्नी रोल खा रहे होते हैं, तभी वहाँ शारदा आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों रोल खाते हुए पकड़ लेती है। अच्छा तो ये चल रहा है, यहाँ छुप छुप कर रोल खाए जा रहे हैं। शाबाश बेटा शाबाश। माँ वो मैं अरे साफ साफ बोलना, क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है। अरे नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, वो ने मंगवा लिए, प्लीज 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 आप गुस्सा मत कीजिए। अरे बकवास बंद करो अपने तुम, अरे शर्म नहीं आती अपनी माँ की आँखों में धूल झोंकते हुए, ये सब खाना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, तुम्हें ये बात नहीं पता। माँ प्लीज आप शांत हो जाइए, आज के बाद मैं ये सब नहीं लेकर आऊँगा, बस आप हमें माफ कर दीजिए। देखो बेटा बात मेरी नाराजगी की नहीं है, बात तुम दोनों की सेहत की है। अरे मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को कुछ हो जाए, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस तरह शारदा अपने बहू और बेटे को रोकना टोकना बंद कर देती है। स्वाति कुछ दिन तक तो अपनी सास की बात मानकर खुद पर काबू पा लेती है, पर अपने स्वाद के आगे वो फिर से मजबूर हो जाती है और रोल खाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है और साथ ही उसे बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस होना शुरू हो जाती है, पर तब भी वो अपने रोल खाने का चस्का नहीं छोड़ती। वक्त बीतता जाता है और एक दिन स्वाति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। सौरभ और शारदा उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। जी देखिए आपकी बहू ने जरूरत से ज्यादा जंक फूड खाया है जिसके चलते इनका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है, साथ ही इनकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है, इनको जंक फूड हमेशा के लिए बंद करना होगा। क्या कहा डॉक्टर आपने, अब मैं कभी रोल नहीं खा पाऊंगी। अरे नलायक तेरी बुद्धि भ्रष्ट है क्या, कुछ तो दिमाग लगा, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी है और अभी भी रोल खाने की सोच रही है। जी आपकी माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, जंक फूड खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, अगर आप इसी तरह जंक फूड खाती रहेंगी तो आपकी प्रेगनेंसी में भी इशू हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करिए, मैं कभी जंक फूड नहीं खाऊंगी, बस आप ऐसा मत कहिए। इस तरह शारदा अपनी बहू का दिन रात खूब ख्याल रखती है, उसे टाइम पर दवाइयां देना, घर का बना हेल्दी और पौष्टिक खाना खिलाना। अपनी सास को इस तरह सेवा करता देख स्वाति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हमेशा के लिए जंक फूड खाना बंद कर देती है। थैंक यू सो मच माँ जी, अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, मेरी जंक फूड खाने की आदत कभी जाती भी या नहीं। हाँ हाँ अब तो अकल आ गई ना तुझमें, अरे सास हूँ तेरी, कुछ गलत थोड़ी कहूँगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, स्वाति अब घर का बना खाना बड़े ही चाव से खाने लगती है, लेकिन अब उसकी सास शारदा को रोल खाने का चस्का लग जाता है। ऐसे ही एक दिन स्वाति अपनी सास को एग रोल खाते हुए देख लेती है। पता है ना कि ये सब खाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए चलिए जल्दी से रखिए इसे नीचे, और आप तो हमेशा जंक फूड को अवॉइड करती थी तो फिर आज कैसे खा रही है। अरे बस कर दो, मैंने तो बस जरा सा खा कर देखा है कि अच्छा भी है या बुरा, और तू ज्यादा सयानी मत बन, मुझे सब पता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इस तरह स्वाति और उसका पूरा परिवार जंक फूड खाना छोड़ देता है।
साथ ही सबको घर के बने खाने की वैल्यू समझ आ जाती है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।